Hello to all, welcome back to my YouTube channel. This is Sangeeta and today we will see the general 4 electrode method for the measurement of resistivity. And these 4 methods are Wener-Wener, Dipole-Dipole, Pole-Pole and Schlumberger. So these methods are basically asked in NET as well as in the GATE exam for numericals, and you can also see them in theory sometimes. So now let's see what does this general configuration looks like. Okay, so it will consist of 2 pair of electrodes, which are current electrodes, and 2 pair of potential electrodes. So current electrodes are AB and potential electrodes are CD, and C or D ke beech mein kya dikh raha hai hame yahan pe, V, which is voltmeter. Okay, तो ये जो बेसिकली हम देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रोड मेथड है, ये यूज किस के लिए हम कर रहे हैं? इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ऑलराइट, अब इसमें जो ए और बी है ना, वो क्या एक्ट करते हैं? इट विल एक्ट एज सोर्स एज एंड सिंक. ओके, तो अगर हम यहाँ पे एट सी पॉइंट पे अगर हम देखें कि ए की वजह से क्या पोटेंशियल आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यू सी इक्वल टू रो आई अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में क्या लेंगे, 1 अपॉन आर ए सी. ठीक है, सी के ऊपर ए की वजह से क्या है, आर ए सी आएगा, और सी कॉम्पोनेंट किस में है, आर सी बी. तो ये आ गया इसके लिए. और सिमिलरली अगर हम डी पर देखें, एट डी, तो इस पे पोटेंशियल कितना आया है? इट विल बी यू सी रो आई अपॉन 2 पाई 1 अपॉन आर ए डी माइनस 1 अपॉन आर डी बी. तो ये आ गया एट सी पे पोटेंशियल कितना है ए की वजह से, और ये डी पे कितना पोटेंशियल है ड्यू टू ए. नाउ वी विल लुक दैट व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. जो कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हैं, रो आई अपॉन 2 पाई 1 अपॉन, पहले क्या देखा था हमने, पोटेंशियल ड्यू टू सी. ओके, तो इट विल बी आर ए सी माइनस आर सी बी, यहाँ पे फिर से माइनस 1 अपॉन आर ए डी माइनस 1 अपॉन आर डी बी. ठीक है, अब इसमें से अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो उसको क्या है, सिंपली आप इसको बाहर पुट कर लो. तो रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी, थोड़ा सा रख कर देती हूँ मैं, तो रेजिस्टिविटी आएगी यहाँ पे 2 पाई वी अपॉन आई 1 बाय आर ए सी माइनस 1 बाय आर सी बी माइनस 1 अपॉन आर ए डी माइनस 1 अपॉन आर डी बी. ठीक है, और इसको होल ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फॉर जनरल 4 इलेक्ट्रोड मेथड के लिए. ठीक है, इसको ध्यान से देख लो आप. अब हम देखेंगे इसमें ऑन बेसिस ऑफ ज्योमेट्रीज एंड स्पेसिंग कितने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, सो ऑन बेसिस ऑफ ज्योमेट्रीज एंड स्पेसिंग वी हैव 4 टाइप ऑफ सच कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट इज वेनर, नेक्स्ट वन इज स्लम्बर्जर, थर्ड इज डाइपोल डाइपोल, एंड लास्ट वन इज पोल पोल. ओके, तो अब ये देखो, मैं वेनर की बात करूं तो वेनर का सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो भी डिस्टेंस होगा बिटवीन एडजेसेंट इलेक्ट्रोड्स का, जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल होगा हमेशा. और क्या है कि एक कॉमन मिड पॉइंट होगा. सो इफ आई एम सेइंग दैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल, इट मींस इफ देयर इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज ए, तो सी और डी के बीच में भी क्या डिस्टेंस होगा, ए. ठीक है, और डी बी के भी बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ए. और ए और डी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, अगेन ए. और डी और बी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ए. लेकिन बट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर, दैट सी और बी का क्या डिस्टेंस है, ये पूरा डबल है. ठीक है, ए प्लस ए, तो
इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा अगर लिखूंगी तो। और a और d का भी क्या है, a और इसका क्या होगा a, तो ये भी क्या हो जाएगा 2a। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं आर ए सी विल बी ए, आर डी बी इज ए, आर सी डी इज 2a एंड आर ए डी इज 2a। ओके, तो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रोड का कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या था, वो था रो इज इक्वल टू 2 पाई वी अपॉन आई 1 अपॉन आर ए सी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा, ए सी माइनस सी बी था तो 1 अपॉन 2 ए माइनस 1 अपॉन आर ए डी विच इज 1 अपॉन 2 ए माइनस आर ए डी माइनस आर डी बी ए। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में माइनस 1 था तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वेलर के लिए, इट विल बी रो इज इक्वल टू 2 पाई ए वी अपॉन आई। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्मूला फॉर द वेलर इलेक्ट्रोड। ओके, इन केस ऑफ स्लम्बर्जर इलेक्ट्रोड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट विल वेरी। ओके, इट विल नॉट बी इक्वल, इट विल बी अनइक्वल। तो अगर इसके बीच में a है डिस्टेंस, तो जो लेंथ होगी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स की इट विल बी l। ओके, सो इट मींस l इज ग्रेटर देन a। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सो वी विल राइट आर ए सी फर्स्ट। ओके, आर ए सी विल बी l माइनस a बाय टू, ए सी इज l माइनस a बाय टू, आर सी बी क्या होगा एल प्लस ए बाई टू, और जो आर ए डी है वो क्या होगा, आर सी बी के इक्वल ही तो आएगा, तो आर ए डी इट विल बी इक्वल टू आर सी बी एंड आर ए सी विल बी इक्वल टू आर डी बी। ओके, कोई डाउट इसमें, ओके तो अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं जो हमारा जनरल फॉर्मूला था, तो वो क्या होगा, रो इज इक्वल टू 2 पाई वी अपॉन आई 1 अपॉन ए ए सी इट विल बी 2 अपॉन एल माइनस ए माइनस, इसको नीचे कर देती हूँ मैं, 2 पाई वी अपॉन आई 2 अपॉन एल माइनस ए माइनस ए सी माइनस सी डी, यही फॉर्मूला था ना, तो 2 अपॉन एल प्लस ए माइनस ए डी माइनस डी बी। ओके, ए डी इज 2 अपॉन एल प्लस ए माइनस 2 अपॉन एल माइनस ए। ओके, होल ब्रैकेट और बाद में क्या आएगा, माइनस 1 का भी नहीं बोलना लास्ट में। ठीक है, तो उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 वी आई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ओके, सो दिस विल बी फॉर्मूला फॉर द स्लम्बर्जर इलेक्ट्रोड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन और इसको नोट करो। ओके, तो अगर इसमें मैंने बोल दिया है कि L is distance between the potential electrode, no, L is not distance between potential electrode, it is distance between A and V which are current electrode. Okay, तो ये confuse मत होना इसके साथ। तो अब आएगा हमारा dipole dipole। dipole dipole में क्या होगा कि जो ये diagram ऐसे बनने की बजाय दोनों सेपरेटली बनेंगे, ए भी यहाँ पे बनेगा और सी भी अलग बनेगा। ठीक है, तो देख लेते कैसे, तो ए बी और इसके बीच में क्या आएगा आई। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा सी डी, उसके बीच में आएगा वोल्ट मीटर। ओके,
ओके अब ये क्या है, इसमें क्या है कि जो मिड पॉइंट है ना वहां से डिस्टेंस होगा एल, ओके मिड पॉइंट का डिस्टेंस होगा एल, और दो इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी ए, ओके। तो अगर ये फॉर्मूला जो देखे हम विच इज अवर जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला, ओके आर ए सी माइनस सी बी ए डी माइनस सी बी, तो आर ए सी का डिस्टेंस क्या होगा फॉर डायपोल डायपोल, इट विल बी आर ए सी, आर ए सी विल बी एल, आर सी बी, आर सी बी, आर सी बी विल बी एल माइनस ए, आर ए डी, आर ए डी इट विल एल प्लस ए, एंड आर डी बी इट विल बी एल, ओके। तो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, रो इज इक्वल टू टू पाई बी अपॉन आई वन अपॉन आर ए सी का क्या आएगा एल माइनस आर सी बी, एल माइनस ए माइनस वन अपॉन आर ए डी, एल प्लस ए माइनस वन अपॉन आर डी बी विच इज एल। तो ये आ गया रो इज इक्वल टू टू पाई बी अपॉन आई वन अपॉन एल माइनस, ये ठीक है ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देगा, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा पाई अपॉन पाई बी अपॉन आई एल एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा डायपोल डायपोल के लिए। इसमें क्या है कि ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे हम एल का, ठीक है, उसमें हम मिड पॉइंट से नहीं ले रहे थे स्लम वर्जन में, उसमें क्या था कि हमारा करंट इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस था वो एल था, लेकिन इसमें क्या वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द मिड पॉइंट, ओके। पोल पोल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 2018 गेट में पूछा गया था, गेट 2018 में पूछा गया था। इसमें क्या है कि जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड नहीं करते, दे विल नॉट कोइंसाइड, जैसे कि कोइंसाइड हो रहे थे अभी तक किसमें लास्ट वाले में डायपोल डायपोल में, पोल पोल में इट विल नॉट कोइंसाइड मिड पॉइंट, एंड वन ऑफ द करंट इलेक्ट्रोड इट विल बी प्रेजेंट एट द इन्फिनिटी। कैसे दिखाती हूँ मैं, पिछला वाला डायग्राम कैसे था ऐसे, ये ए बी यहाँ पे आ रहा था सी डी, ठीक है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड था, ये करंट इलेक्ट्रोड था, बट इसमें क्या होगा कि एक करंट इलेक्ट्रोड कहाँ होगा इन्फिनिटी पे, ओके, वन करंट इलेक्ट्रोड विल बी प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, और जो मिड पॉइंट है इट विल नॉट कोइंसाइड, अगर ये डिस्टेंस ए है तो देन दिस डिस्टेंस विल बी बी, ओके। एंड इट्स फॉर्मूला इज रो इज इक्वल टू टू पाई बी अपॉन आई ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी अपॉन ए, ओके। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर पोल पोल कॉन्फ़िगरेशन, ये किसमें पूछा गया है गेट 2018 में, इसके लिए न्यूमेरिकल ऐसे ही दिया हुआ था उसका ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका कुछ भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।